नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिबास सफा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक तर्जुमान शिया और मबूद महाराष्ट्र। माह बार के रमज़ान अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना। पूरे माह बार के रमज़ान में मुख्तलिफ इदारों, मस्जिदों और इमाम बारगाहों में क़ुरान की तिलावत का दर्स होता है। मदरसे सज्जादिया ठाकुरपाड़ा गॉड गिफ्ट में भी जिम्मेदारों ने पूरे माह क़ुरान का दर्स रखा। 50 से ज़्यादा बच्चे इस दर्स क़ुरान में शामिल होते थे और हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कलवे साहब क़िबला उन्हें क़ुरान की तालीम देते थे। आज मदरसे सज्जादिया ठाकुरपाड़ा गॉड गिफ्ट के जिम्मेदारों की जानिब से और ख़ास करके बरादर बुज़ुर्ग मोहतरम कायम साहब इमामिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह रूहे रवा प्रेसिडेंट यहाँ पर तशरीफ़ ले आया और उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से तोहफा और तहाए पेश किया। आइए खुद जानते हैं मोहतरम कायम साहब से कैसा उन्हें लगा और मौलाना कल्ब हसन साहब क़िबला से कि पूरे माह दर्स का सिलसिला किस तरह से रहा। कायम भाई, आज माशाल्लाह आपने बच्चों को गिफ्ट बांटा और बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद रहे, कैसा महसूस हुआ? इसलिए कि क़ुरान की तिलावत पर आज आपने उन बच्चों को गिफ्ट दिया, वो भी अल्लाह के महीने में। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बारगाह के सभी जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको, खासतौर से मौलाना कल्ब हसन साहब क़िबला को, जिन्होंने अपनी पैरवी में और अपने ज़रिए सारे बच्चों को तालीम दी और सारे बच्चों ने बहुत बहुत फ़ायदे से, मुझे लगता है बहुत मिलजुल के और बहुत ही एक हिम्मत के साथ इसकी तलावतें की। मैंने देखा कि शायद 5-6 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चे रहे, 50 से ज़्यादा रहे, उनकी तादाद बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार मेरी राबी की टीम और रहबर की टीम और ये सारे यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, आप खुद बजाते खुद इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और प्रोग्राम्स होते रहेंगे और उसमें और अगले लेवल पे जाके प्रोग्राम होंगे। क्योंकि सिर्फ तिलावत के साथ साथ उसकी क़िरत, उसमें उसके मानी, उसकी तफसीर और क़ुरान से और कितना बच्चे हासिल कर सकते हैं, उसकी स्टडी और उसकी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मेरी उम्मीद है। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा यहाँ में आया और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। दिल के गहराइयों से मोहतरम कायम साहब का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुमरा तशरीफ़ लाए और बच्चों को अपने हाथों से आपने गिफ्ट और तोहफा तकसीम किया। आइए हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कल्ब हसन साहब क़िबला, अल्लाह का महीना है, क़ुरान की तिलावत के लिए ताकीद है और आपने एक माह 50 से ज़्यादा बच्चों को क़ुरान की तिलावत कराई, कैसा महसूस हुआ, क्या सिलसिला रहा पूरे माह क़ुरान के दर्स का? कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, समझ करके कुरान की तलावत की जाए। और यहाँ के ज़िम्मेदार ड्राइवर भाई और नौजवान दोस्त हमारे, इन्होंने बहुत कोशिश की है। देखें आप, छोटी सी जगह है लेकिन इस छोटी सी जगह में बड़ा काम हो रहा है और इंशाल्लाह माह मुबारक के रमज़ान के बाद भी मोमिनीन की इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर मदरसे का सिलसिला भी शाम को 5 बजे शुरू किया जाएगा और ये सिलसिला इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है, ठाकुरपाड़ा के रहने वाले लोगों से, कि वो अपने बच्चों को यहाँ मदरसे में शाम को 5 बजे भेजें, इसलिए कि इन लोगों की काविशों को देख करके मुझे भी हौसला मिल रहा है कि इतने पुराशोक दौर में जहाँ पे कोई 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अपना वक्त देते हैं। खसूस रहबर भाई यहाँ पे बैठे रहते थे हमारे साथ और बच्चों को, जैसा कि आपने कहा था कि बच्चों को कंट्रोल किया करते थे। लिहाजा देखें, ये इन लोगों का कुरान से लगाव, कुरान से मोहब्बत, कुरान से जुड़ाव इनका खुदावंद आलम ज़रूर कबूल फरमाएगा। और कुरान के लिए खुद है कि जिस शख्स को कुरान आती है वो अगर दुनिया के कब्रिस्तान में अकेला भी होगा तो उसे डर महसूस नहीं होगा। लिहाजा अगर हमको अपने बच्चों के दिलों से खौफ और डर को ख़त्म करना है तो कुरान
قرآن مجید کو سکھانا ہوگا تاکہ اس دنیا میں بہتر زندگی گزار سکے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے. سوال محمد. ناظرین، مدرسہ سجادیہ ٹھاکر پاڑہ گوالپیٹ میں ہم موجود تھے. مولانا کلب احسن صاحب کو ملا ہمارے برادر بزرگ محترم قائم صاحب، صدر امامیہ چیمبر آف کامرس کی باتوں کو آپ نے سنا اور سماعت فرمایا. قرآن کی تعلیم اور تلاوت کے حوالے سے جو تاکید مولانا کلب احسن صاحب قبلہ نے کی ہے یقیناً، لیکن آج محافظ قرآن حضرت امام حسین علیہ السلام، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت کا گھرانہ، جنت البقیع ویران ہے اور 100 سال مکمل ہو رہے ہیں 8 شوال کو انہدام جنت البقیع کے لیے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی قبر امام حسن مصطفیٰ، 5ویں امام اور انبیاء اصحاب اور ازواج رسول کی بہت ساری قبریں وہاں پر ہیں، ویران ہیں. جنت البقیع آپ سے فریاد کر رہی ہے، مال کا مطالبہ نہیں ہے، جان کا مطالبہ نہیں ہے. یا لیتنی کن تو مار کمہ مولا، کربلا میں اگر ہم ہوتے تو آپ پر قربان ہو جاتے. زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں، قربان نہیں ہونا ہے، 2 سے 3 گھنٹے کا وقت آپ کو نکالنا ہے. شہر ممرہ میں 29 اپریل کو عظیم الشان تاریخ ساز احتجاج ہونے جا رہا ہے، جس میں 100 سے زیادہ علماء کرام اور بڑی تعداد میں عورت و مرد جمع ہو رہے ہیں. آپ بھی تشریف لائیں اور شہزادی اور ائمہ اطہر علیہ السلام کے روزے کے لیے آواز بلند کریں. اسی طرح دیکھتے رہیں ایس این این چینل. میں لباس صفا اپنی ٹیم کے ساتھ اب آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو. سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو. سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو. تاک پر رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو. رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو. دل نشین ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، دل نشین ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم. دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو. دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو. عزت نفس ہوا کرتی ہے
इससे महफूज। इज्जत नफ्स हुआ करती है इससे महफूज। इज्जत नफ्स हुआ करती है इससे महफूज। अपना मेयार बढ़ाना है तो कुरान पढ़ो। अपना मेयार बढ़ाना है तो कुरान पढ़ो। सिर्फ तकरीरों से वहदत नहीं होगी कायम। हक का पैगाम सुनाना है तो कुरान पढ़ो। हक का पैगाम सुनाना है तो कुरान पढ़ो। आज बेदारी इस्लामी की तहरीकों में जिंदा किरदार निभाना है तो कुरान पढ़ो। जिंदा किरदार निभाना है तो कुरान पढ़ो। हक परस तो को है, हक परस तो को है नैज़े से ये पैगाम हुसैन। हक परस तो को है नैज़े से ये पैगाम हुसैन। माइले जुल्म जमाना है तो कुरान पढ़ो। माइले जुल्म जमाना है तो कुरान पढ़ो। इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो। इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो। सोई कौमों को जगाना है तो कुरान पढ़ो। सोई कौमों को जगाना है तो कुरान पढ़ो। ताक पर रखने से आती नहीं घर में रोजी। रिज्क अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो।
रिज्क अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो, दिल नशीं होती है इस्लाम की सच्ची तालीम, दिल नशीं होती है इस्लाम की सच्ची तालीम, दोस्त दुश्मन को